बाकी लोग आपस में दबदन हाँ बुलाओ सर हिंदी मंच की ओर से और कार्यक्रम के संयोजक थे। चलिए जबकि जिला प्रमुख आए क्या नहीं है परवीन जी सरपंच साहब नहीं आए तो मुझे थैंक यू सर लगते आते आदरणीय गोपा जी को विनती कर रहा हूँ आप मोमेंटो रघुनाथ जी परिया साहब आप भी याद रखो हाँ चलिए थैंक यू सर अब इसके अलावा समय मिले या न मिले आदरणीय गोपा जी के सानिध्य में ये पूरा का पूरा तृतीय विवाह उत्सव चल रहा है आपको विनती कर रहा हूँ लगते हाथों अपनी वरवधु को आशीष दे चलिए सर हाँ बोलो जगदम्बे माता की आज के इस भीमराव विवाह समारोह कार्यक्रम में आज पधारे हुए सभी मेघवाल समाज के मेरे आदरणीय वरिष्ठ और सम्मानीय भाइयों और सभी पधारे बहनों और इस कार्यक्रम में पधारे वर वधु जिनको माँ भगवती के इस मंदिर के प्रांगण में हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि मंदिर की स्थापना हुए कम से कम 500 साल हो गए और 500 साल में सामूहिक विवाह का कार्यक्रम पहली बार हो रहा है इसके लिए मैं बधाई देता हूँ शादियां तो बहुत होती है विवाह भी बहुत होते हैं परंतु एक सामूहिक विवाह मैं धन्यवाद देता हूं अखिल भारतीय मेघवाल समाज के सभी बाली के और समस्त मेघवाल समाज मुंडा के जब से ये अध्यक्ष जी मेरे पास आए और मेरे को कहा कि अपन सबको यह मुंडारा माता जी के प्रांगण में एक सामूहिक विवाह करना है मैंने कहा मेरी जात जरूर समझो इस कौम की अगर जरूर समझो तो हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ हैं और साथ रहकर इस विवाह कार्यक्रम को हम कैसे सफल कर सकते हैं इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और आज के इस भीमराव अंबेडकर जी की मैं विशेष तौर से मैं आपके सामने हूं जिस तरह से उन्होंने जो अधिकार दिए उस अधिकार से ही मैं एमएलए बना और मंत्री बना मैं आपके सामने हूं और जिसकी प्रेरणा से आज ये जो सामूहिक विवाह कार्यक्रम हो रहा है मैं पूरे मुंडारा के समाज के जो आगेवान है और समाज के जो आगेवान है उनको मैं बधाई देता हूं और अभी आपके इस वीर वधु को वर और वधु को माता जी का आशीर्वाद देता हूं कि माता जी इनको खूब आगे बढ़ावे फले फूले और खूब प्रगति करें एक बार दोनों हाथ कर हाथ ऊपर करके एक बार जय भीम की जय घोष कर लिए जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम जय हो बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार आदरणीय गोपा जी ओटाराम जी का और आपको बता दूं इन्होंने इस कार्यक्रम के निमित्त 51,000 रुपए रोकड़ भेंट किए हैं इनके लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए हाँ एक मिनट ये बात भी पड़ेंगे अब इसी तरह नेमाराम जी एक बार मेरे पास में आ जाए आप जैसराम जी थोड़े इधर ये देखिए श्री नेमाराम जी माधव शिवकलाव से है और अखिल मेघवाल विकास संस्थान के अध्यक्ष है लगभग 6 महीने से बराबर तैयारी कर रहे हैं लगभग 1 महीने से तो सोए नहीं है और
मैं क्या तो विनती कर रहा हूँ सभी को अपना आशीष दे, श्री नेमाराम जी महाराज बाद में समय मिले या नहीं मिले